नोट 12 का वीडियो लास्ट तक बन के देखे रहिए। हमारा वीडियो कोई लॉन्ग नहीं होने वाला है, हमारा वीडियो कोई एडिट नहीं होने वाला है, जो कि आपको ओरिजिनल शूट ओरिजिनल वीडियो आपको पेस्ट किया जाता है। तो वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत से बहुत लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए इसको हम पूरा हम अनबॉक्सिंग ओपन करते चेक करते। हेलो गाइस, तो फिर से आप सबका स्वागत है मेरे नया वीडियो में। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दूसरे को शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो बहुत तड़का मचाने वाला होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है रेडमी का नोट 12 4GB रेंट वाला, नोट 12 8GB है, 128GB। तो आज पूरा इसका अनबॉक्सिंग प्राइस पूरा चेक करेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराना तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसको हम ओपन करके हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मोबाइल। मोबाइल के राइट साइड में आपको रेडमी नोट 12 लिखा गया है, लेफ्ट साइड में भी नोट 12 और ऊपर में खाली है, और पीछे में कुछ नहीं लिखा गया है, और नीचे में आपको ब्रांड दिया गया है 8GB रैम 128GB। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, पूरा एक एक डिटेल्स आपको बताने वाला है, क्योंकि ये फ़ोन बहुत कम प्राइस में तालका डिस्प्ले और तालका कैमरा के साथ आया हुआ है। तो चलिए इसको ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा ओपन करेंगे। ओपन करते हैं, ये पहले फर्स्ट सेक्शन को हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। वहीं दिया गया होगा एक सिम पिन और एक सिलिकॉन कवर और एक जन्मपति। चलिए इस सबको हम साइड रखते हैं और आगे हम फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। फ़ोन में कुछ हाईलाइट दिया गया हुआ है, जो कि AMOLED डिस्प्ले 120Hz का है, पावरफुल प्रोसेसर। कितना प्रोसेसर दिया गया आगे हम बताएंगे। 33W का फास्ट चार्जर है, 50MP कैमरा, और नीचे की चलिए तो नीचे की बात करें तो आपको 33W का चार्जर और एक USB A to C केबल दिया गया है, जो कि फ़ोन को तेज़ी से चार्ज करने के लिए। चलिए इस सब को साइड रखते हैं, आगे फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। फ़ोन के आगे बढ़ते की तरफ हम आपको ये प्लास्टिक निकालते हैं, और ये रहा इसका डिज़ाइन, लुक और डिज़ाइन। पीछे में 3 कैमरा और सामने में एक पंच होल कैमरा है। तो चलिए इसकी हम राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा डिज़ाइन की बात करें, तो राइट साइड की बात करें तो पावर बटन और फिंगर बटन एक साथ दिया गया हुआ है, उसके ऊपर वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया गया है, और उसके ऊपर में एक नॉइस कैंसिलेशन और एक एयर ब्लास्टर और एक 3.5mm लगने वाला हेडफोन जैक दिया गया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसको हम लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें सिम ट्रे एक जगह दिया गया हुआ है। ट्रे की हम खोल के हम चेक करते हैं इसमें कितना कितना, 2 सिम एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे भी काफ़ी आदमी को मेमोरी का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी दिया गया है कभी कॉपी पेस्ट करने के लिए। और नीचे की बात करें तो एक स्पीकर ग्रिल और एक माइक्रोफोन और एक टाइप सी पोर्ट दिया गया हुआ है। तो चलिए इसकी हम बॉडी की डिज़ाइन की बात करें तो पीछे आपको दिया गया हुआ आपको पॉलीकार्बोनेट वाला जो ग्लास दिया गया हुआ है, और इसकी हम बॉडी की बात करें तो प्लास्टिक बॉडी के साथ देता है। और उसके हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले की साइज 6.67 है, AMOLED डिस्प्ले है 120Hz के साथ, जो काफ़ी स्मूथ है। और प्रोटेक्शन आपको कर्निंग गोरिल्ला 3 का दिया गया हुआ है, जो कि आपको गिरेगा तो थोड़ा सेफ रखेगा। तो चलिए हम इसकी हम ओपन कर लेते हैं, बूट कर लेते हैं। तब तक आपको हम कैमरा की मेगा पिक्सल बता दें। इसकी मेन कैमरा है जो आपको मेन कैमरा हो गया 50MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो कैमरा के साथ आता है। और सामने की कैमरा की बात करें तो ये 13MP का कैमरा आता है। और फोटो इसका कैसा आ रहा हुआ, इसका फ़ोन क्या खींचा हुआ, मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आपको एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है, और आपको इसका जो MIUI जो वर्जन है वो 14 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसकी हम फ़ोन की हम वेट की बात करें तो 184 ग्राम की आती है। और इसके हम प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकम स्नैपड्रैगन 685 6nm के साथ दिया गया हुआ है। उनमें एक खासियत IP दिया गया है, IP53 के साथ, जो डस्ट रेसिस्टेंस है। पहले का फ़ोन में क्या होता था ना कि बालू मिट्टी घुस जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए हम इसका आपको फ़ोटो दिखा रहा है, जो कि हम इसमें लिया गया फ़ोटो है। ये देखिए, ये रहा सेल्फी, जो कि बहुत अच्छा फ़ोटो खींचता है। देखिए सेल्फी है, मतलब मेरे फेस में पिंपल बहुत है लेकिन इसमें नहीं दिखता है, एकदम ब्यूटी कैमरा के साथ क्लीन फ़ोटो देता है ये। और देखिए ये वाइड एंगल खींचा हुआ फ़ोटो है, नाइट में खींचा हुआ है, जो कि बहुत क्लीन है। और आपको ये देखिए एक एक होल दिख रहा है आपको स्पीकर में, जो कि बहुत अच्छा फ़ोटो खींचता है। और इसकी हम बैटरी की बात करें तो ये 5000mAh की बैटरी के साथ आती है, 33W एडाप्टर के साथ में, जो लगभग आपको फ़ोन को आपको 60 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर देगा। और इसके प्राइस की बात करें तो कतर में ये 700 रियाल आता है, और नेपाल इंडिया में क्या प्राइस है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग के पास पहुँच सके। इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।